फ्रांस रूस पर ये युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन के बचाव में आ चुका है फ्रांस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने रूस को चेतावनी दी है और यूक्रेन की सामरिक सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा फ्रांस। बाइडेन की इमरजेंसी बैठक में शरीक हुआ फ्रांस। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, टैक्टिकल सवाल ये है, ये फ्रांस जो मैंने आपसे पहले पूछा था, ये फ्रांस अभी तक ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन्स भेजने के चक्कर में बड़ा नाराज बैठा हुआ था। अब सॉरी टू यूज अ वर्ड, क्या फ्रांस को भी इस युद्ध में अपने आप अपने लिए एक धंधा दिखाई दे रहा है? देखिए, फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उनका स्टेटमेंट आ चुका है, ऑफिशियली रिटन स्टेटमेंट है कि नाटो इज ए डेड बॉडी नाउ, डेड एंटिटी नाउ। ये पहले का स्टेटमेंट आया था। तो वो इसलिए हुआ था कि एक तो आपने जिसकी चर्चा की ऑस्ट्रेलिया के साथ जो डील, लेकिन उससे पहले भी जब ट्रंप की पॉलिसी थी तो उससे फ्रांस काफी परेशान था। जर्मनी से अमेरिका पैसे मांग रहा था क्योंकि जर्मनी के पास यहाँ पर वॉर में बिजनेस इंटरेस्ट दिख रहा है। जी देखिए, ये सारे कंट्रीज को अपना बिजनेस इंटरेस्ट वहाँ पे दिख रहा है, केवल वहाँ पे फ्रांस नहीं, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी को भी अपना इंटरेस्ट वहाँ पे दिख रहा है। और यूके सबसे आगे है क्योंकि वो ब्रेक्सिट के बाद निकल चुका है, लेकिन इस वॉर में यूके अमेरिका के पूरी तरह साथ है। तो ये सारे का अपना बिजनेस इंटरेस्ट है, इनका अपना मिलिट्री इंटरेस्ट है और एक तरह से आधिपत्य की लड़ाई है। और ये अमेरिका हेजेमोनिक ट्रैप एक होता है। मैं कई बार कंफ्यूज होता हूँ, यूके प्राइम मिनिस्टर इज मोर लॉयल टू अमेरिकन प्रेसिडेंट रादर देन क्वीन। जी देखिए, यूके की मजबूरी है कि आज के समय में अगर उनको अपना, क्योंकि यूरोप से, वो यूरोप में उनको लाइक नहीं कर रहे हैं लोग, तो अब उनको अमेरिका के साथ रहना उनकी मजबूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।